प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा शिक्षा नियमावली रूल 134 ए को समाप्त कर RTE लागू करने वाली हरियाणा सरकार RTE के तहत भी बच्चों को मुफ्त में एडमिशन नहीं दिला पा रही है। सरकार व विभाग की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 16 अप्रैल से लाभार्थी अपने 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में जाकर RTE के तहत आवेदन कर सकते थे, लेकिन स्कूल संचालकों ने ये कहकर अभिभावकों का आवेदन लेने से इनकार कर दिया कि इस संबंध में वह खुद ही स्पष्ट नहीं है कि आखिर कैसे काम करना है, तो वह ऐसे में फॉर्म कैसे ले सकते हैं। HPSC के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत मुजाल ने कहा कि जब तक सरकार ये स्पष्ट नहीं करती है कि RTE के तहत मुफ्त पढ़ाने पर कितनी रीइंबर्समेंट दी जाएगी, तब तक वह किसी भी बच्चे का आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने RTE लागू कर दी है, तो अब हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें बताएं कि ये कैसे लागू की जानी है, ताकि ना तो हम परेशान हो और ना ही बच्चा परेशान हो। सर, सरकार ने RTE लागू कर दी है, हमारी सरकार को फिर से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कृपया उसकी डिटेल कैसे लागू होनी है और सारे प्रोसेस क्या हैं वो हमारे साथ साझा करें, हमारे को भी गाइड करें ताकि बच्चा मिस गाइड ना हो। आज की डेट तक एक चिट्ठी इशू हुई है RTE की इशू होनी है। स्कूलों को कुछ नहीं पता क्या करना है, स्कूलों को ये नहीं पता कि बच्चे स्कूलों में आने हैं या सेंट्रलाइज काउंसलिंग से आने हैं। स्कूलों को जो पुरानी 134 की सारी दिक्कतें थी, एक भी सॉल्व नहीं हो पाई। मैकेनिज्म क्या है RTE का, पैसे वापस कितने मिलेंगे हमारे को रिइंबर्समेंट के तौर पे और किस टाइम फ्रेम में मिलेंगे। तो इसलिए सर RTE लागू हो तो गई है, लेकिन अभी भी वो अधर में लटकी हुई है जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं करी जाती। उन्होंने कहा कि स्कूलों ने 134A का विरोध भी केवल रीइंबर्समेंट नहीं मिलने पर किया था। उन्होंने कहा कि समय पर पैसा नहीं दिया जा रहा था, इसी कारण स्कूलों को कोर्ट जाना पड़ा और इसी कारण से कोर्ट से स्कूलों को स्टे मिला, सरकार को रूल 134A खत्म करना पड़ा। नेबरहुड की पहचान स्कूल संचालक कैसे करें, जब स्कूल संचालकों के सवालों का जवाब मिलेगा तभी तो एडमिशन कर पाएंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके माध्यम से भी सरकार को कि हमारे को काइंडली क्लैरिटी दी जाए। एक बात बताएं कि पिछली बार का क्या मुद्दा था 134A का, रिइंबर्समेंट, टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा था, इसी वजह से हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, इसी वजह से स्टे मिला, इसी वजह से 134A खत्म हुई। वही सारी की सारी चीज़ें सेम आज की डेट में RTE पे अभी भी लागू हैं। आज की डेट में हमें नहीं पता हमें पैसा क्या मिलना है, आज की डेट में हमें ये नहीं पता हमें एडमिशन कैसे करनी है, हमें नहीं पता नेबरहुड स्कूल कैसे मुकर्रर होना है। इस सब के लिए सबको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, सबके साथ सरकार को मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी और हमारे सवालों के जवाब भी तो हमारे को चाहिए, तभी तो हम एडमिशन कर पाएंगे। सरकार द्वारा शेड्यूल जारी कर दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी स्कूल संचालक किसी का कोई फॉर्म नहीं ले रहे हैं, सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारी स्पष्ट करेंगे कि आखिर ये कैसे लागू किया जाएगा। जो स्कूल संचालकों को दिक्कतें हैं उस पर चर्चा करें। प्रशांत ने फिर कहा कि सरकार रीइंबर्समेंट बताए कि कितनी दी जाएगी और जब तक ये नहीं बताया जाता तब तक कोई भी फॉर्म नहीं लिया जाएगा। पर हम अभी किसी का कोई फॉर्म नहीं ले रहे, पहले हमारे को क्लियर किया जाए कि ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे बनेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डायरेक्टोरेट की तरफ से सब स्कूलों की मीटिंग बुलाई जाए, सबके साथ विचार साझा किए जाए, हमारी काउंसलिंग करी जाए, हमें सिखाया जाए ये सब कैसे करना है, जो हमारी तरफ से कमियां हम बता रहे हैं उन सबको पूर्ण किया जाए, उसके बाद ही ये सब शुरू हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिइंबर्समेंट अमाउंट को डिक्लेयर किया जाए। क्यों नहीं सरकार बार बार रिइंबर्समेंट अमाउंट को डिक्लेयर कर रही, तब तक हम RTE के फॉर्म नहीं स्वीकार करेंगे। तो वहीं इस मामले में DEEO ने कहा कि जो स्कूल संचालक अभी तक सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का BEO को पूरी तरह से अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने RTE के तहत सरकारी स्कूलों को नेबरहुड आधारित किया हुआ है, निश्चित तौर पर उस समय प्राइवेट स्कूलों को चिन्हित किया गया होगा। नहीं, स्कूलों को मैंने खुद खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए हैं जो सरकार के आदेशों के अनुपालना में कि 16 तारीख से फार्म जमा कराए जाएंगे विद्यालयों के अंदर और 25 तक वो जमा कराएंगे, उसके बाद में कार्रवाई शुरू होगी। नेक्स्ट स्कूल वालों ने भी ना तो अपने नोटिस बोर्ड पे वैकेंसी का चस्पा किया, वो हाँ BEO से बुलाएंगे, BEO शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, किन करें कार्रवाई तो की जाएगी, इनके ऊपर सरकार के आदेश की पालना की जाएगी। सर, एक स्कूल वाले इस बात को लेकर भी ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि भाई हमारे कहीं नेबरहुड डिक्लेयर नहीं किए गए, तो ना हमें यह पता है कि कौन सा बच्चा 1 किलोमीटर से आ रहा है या दूर से आ रहा है, हम कैसे डिसाइड। हाँ, ये स्कूल के उसके बीच में होगा क्योंकि हर क्लस्टर के अंदर, हमारे हर खंड के अंदर क्लस्टर होते हैं,
जिसका नाम देखे CRCs, तो CRC के अंडर जो आता है क्लस्टर, वो मैपिंग भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल की है, सेम साथ प्राइवेट की भी ऐसी होगी। पहले एक बार हुआ था ही कि नेबरहुड कौन सा स्कूल आता है उसके अंदर, उसे क्लियर हो जाएगा। सर, सरकार ने अभी तक कोई ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें बताया गया होगी, क्योंकि स्कूल वाले इसी बात पे आएगी, अभी तक हमारी रीइंबर्समेंट डिक्लेयर नहीं की? नहीं, अभी तो कोई हुआ नहीं, शायद इसी वीक में कोई ना कोई मीटिंग होगी, सरकार मीटिंग लेगी अडेप्टेड, तो जैसे ही मीटिंग होगी आपको बहुत सूचित भी करूँगा। सर, 134A को लेकर भी मंत्री जी का बयान था कि दूसरी से लेकर बारहवीं तक जो है बच्चों को 134A में एडमिशन दिया जाएगा, कोई आदेश आए हैं? नहीं, अभी कोई आदेश नहीं आए हैं, जैसे आदेश आएंगे तो के अंदर जनता के अंदर आपको बताया जाएगा पूरा जनता के अंदर। फिलहाल यहाँ ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिना तैयारी के सरकार ने RTE लागू कर दी है, जिसके कारण अभिभावक कभी स्कूल तो कभी DEO ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।